नमस्कार, आप देख रहे हैं सोना न्यूज टीवी और मैं हूं आपके साथ श्वेता। तो चलिए रुक करते हैं आज की प्रमुख और बड़ी खबर पर। झारखंड विधानसभा के विशेष सत्र का आज दूसरा दिन दीपिका पांडे के बयान पर मचा हंगामा। झारखंड विधानसभा के विशेष सत्र का आज दूसरा दिन है। संभावना जताई जा रही है कि आज का सत्र काफी हंगामेदार होने वाला है। आज सदन की कार्यवाही शुरू होते ही सबसे पहले राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा हुई। इससे पहले झामुमो विधायक स्टीफन मरांडी ने राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव लाया था, जिसका कांग्रेस विधायक दीपिका पांडे ने समर्थन किया। व्यक्तिगत द्वेष से सरकार गिराया गया, स्टीफन मरांडी। इसके बाद चर्चा की शुरुआत करते हुए स्टीफन मरांडी ने कहा कि यह सोचने वाली बात है कि यह राज्य किस दौर से गुजर रहा है। शिबू सोरेन और उनके परिवार के प्रति व्यक्तिगत द्वेष से इस सरकार को गिराया गया है। इससे आदिवासियों के सम्मान को ठेस पहुंची है। उन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन ने राज्य के लिए बहुत सारे काम किए हैं और उनकी गिरफ्तारी में राजभवन का हाथ है। एक गरीब को, दलित को सरकार आगे बढ़ते नहीं देखना चाहती, इसका एक जीता जागता उदाहरण हमने देखा है। दीपिका के बयान पर सदन ने हंगामा। इसके बाद दीपिका ने कहा कि बाबूलाल मरांडी आदिवासी नेता हो सकते हैं, आदिवासियों के नेता नहीं। नेता प्रतिपक्ष अमर बाउरी दलित नेता हो सकते हैं, दलितों के नेता नहीं। सांसद निशिकांत दुबे भाजपा को चला रहे हैं। इनके ही विधायक रणधीर सिंह कह रहे हैं कि निशिकांत दुबे पार्टी से बड़ा नहीं है। उनके इस बयान पर भाजपा विधायकों ने जमकर हंगामा किया और आसन के समक्ष पहुंच गए। दीपिका से माफी की मांग। नेता प्रतिपक्ष अमर बाउरी ने कहा कि दीपिका पांडे ने असंसदीय भाषा का उपयोग किया है। कहा, महिला विधायक होकर भी ऐसी भाषा का प्रयोग किया जो कि अमर्यादित और संसदीय परंपरा के विरुद्ध है। दीपिका पांडे माफी मांगे तथा उनके अमर्यादित बयान को कार्यवाही से हटाया जाए। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी किसी बड़ी और खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए सोना न्यूज टीवी।